गाइस कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अमित मिश्रा। अभी सभी के अंदर यही सवाल चल रहा होगा कि मैंने जो डेट बताई थी 18 तारीख को अमित मिश्रा ऑफिशियल चैनल डिलीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। और सब सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा क्यों है, क्या है, बहुत सारे सवाल होंगे। तो मैं बता दूँ, मेरे चैनल पर 65 स्ट्राइक थी, मैंने आप सभी को बताया, एविडेंस भी दिया, ठीक है। तो उसमें से कुछ काउंटर मैंने सबमिट किए हैं। चैनल 18 तारीख को डिलीट होने वाला था, लेकिन 18 को डिलीट नहीं। अभी मेरे को टाइम जो है एक्सटेंड हो गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड, तकरीबन 4-5 दिन मतलब और है हमारे पास में। अब एक एक दिन जो है ना, जैसे जैसे बढ़ रहा है हर्ट बीट क्योंकि ये दर्द समझना बहुत बड़ी बात है। जिसके साथ कभी ऐसा हुआ होगा वही समझ पाएगा, जिसको बिल्डअप करने में पूरा 6 साल लगा है। 6 साल, एक एक सब्सक्राइबर, एक एक फैमिली मेंबर कितना मैटर करता है यहाँ पे। खैर, जो चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ शायद ही पता नहीं बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा। अभी मैंने सबसे बोल रखा है, जितने लोग भी है, जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को, वो आके दूसरा वाला चैनल जिस पर ये वीडियो आ रहा है टीम में दूसरा, इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी वो दिख रहा है 1-2-3 जो भी समय है दिखे ही है ना दिखे, हो सकता है प्रयास हमने बहुत ज़्यादा किया वहाँ तक भी पहुँचे जहाँ से काम होना था, बट सामने वाले ने भी अपनी बात रखी। कहीं ना कहीं सब पता चलता है, सब कुछ प्रेशराइज काम करवाया गया है। और जो भी लास्ट इंटरव्यू दिया इन लोगों ने, सामने चीज़ें रखी, हर एक चीज़ का काउंटर देंगे, बहुत अच्छे से जवाब देंगे। और उन लोगों से हमें इतना ही बोलना है कि पता नहीं जैसे भी हमारी पर्सनल चीज़ें आप तक पहुंची, कैसे भी पहुंची हमें नहीं पता, आप तक अगर 2-3-4-5-8 स्ट्राइक तक का सीन पहुंचा है, आपने बताया कि अमित के चैनल पे जो स्ट्राइक हैं वो टी सीरीज की हैं, ये रहा एविडेंस। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, 65 स्ट्राइक का पूरा एस्टिमेट दिखाओ ना प्लीज़। अगर आप में दम है तो दिखाओ, हम बताएंगे 65 स्ट्राइक कहाँ से आई। समय आने पे मैं बताऊंगा, और बहुत जल्दी काउंटर जवाब बहुत जल्दी आने वाला है। हम बताएंगे स्ट्राइक कहाँ से आई हैं, 65 स्ट्राइक का पूरा हम डिटेल देंगे, ठीक है। बहुत दावे के साथ बोला गया कि भाई इस कंपनी ने स्ट्राइक दिया है, 2-3 एविडेंस, पता नहीं 1-2 स्क्रीनशॉट जैसे भी मिले आपको, जहाँ से भी पहुँचे वो दिखा के राजा नहीं बनते। आपको राजा रंक वाली स्टोरी शायद नहीं पता होगी, फिर से पढ़िएगा देखिएगा समय मिले तो। और एक तर्क रखा था, पॉइंट रखा था कि 4-5 दिन से काम नहीं कर पा रहे हैं। अभिषेक जी ने बोला 1.5 लाख सब्सक्राइबर का नुकसान हो गया, 5 दिन काम नहीं किया 1.5 लाख सब्सक्राइबर का नुकसान हो गया, और जो ये काम करवा रहे हो 4,42,00,000 सब्सक्राइबर का चैनल जा रहा है वो नुकसान नहीं दिखता क्या? हो सकता है मिडिल क्लास वालों की ज़्यादा सुनी जाती हो, ये जो बताते हैं ना मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में ये नहीं है, मैं ये नहीं कर पाता, जनता भी उन्हीं को सपोर्ट करती है, सुनती है, सही गलत अभी नहीं जानती है, और असली चेहरा भी सामने नहीं है तो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल हम ये प्रूफ जरूर करेंगे कि ये करवाया गया है, क्योंकि जहाँ से ये काम होना है, जहाँ से करवाया गया है, वो बंदा भी बिल्कुल शॉक था जब मैंने अपनी बातें उसको बताई कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और बीच में ये जो समुंदर की कुछ मछलियाँ जो होती हैं, जब एक सिप चल रहा होता है समुंदर में तो सिप को देखता है, जो नीचे मछलियाँ तैर रही होती हैं ना, उससे सिप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं उचित भी नहीं समझता ऐसी मछलियों को कि मैं रिप्लाई करूं, सिप में चल रहा हूं, मछलियां नीचे हैं और नीचे ही रहेंगी, ठीक है, समझ रहे हो। बाकी चैनल के लिए हर एक एफर्ट्स मैंने ट्राई किया कि बच जाए, बहुत प्रयास हुआ, और अब जो है फाइनली हार मान ली मैंने। जो भी काउंटर का टाइम बचा है 4-5 दिन जो भी बचा है, उस पीरियड में चैनल चला जाएगा। और ये चीज़ प्रूव करने की बात है, वो भी सब सच सच जो है ना जरूर सामने आएगा, आज नहीं तो कल 100% आएगा, और इसका करारा जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि इस बार बंदा गलत चुना गया।
जितना कोशिश की, 24 कोशिश किए कैसे भी अमित मिश्रा का नाम खत्म हो जाए। अमित मिश्रा ऑफिशियल चल रहा था, फिर चलेगा, खत्म नहीं होगा, चैनल एक जाएगा, दो जाएंगे, तीन जाएंगे। और सब लोग पता नहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि फेक चैनल, फेक सब्सक्राइबर, फेक फॉलोअर्स। भाई तुम करो तो सब ओरिजिनल, दूसरा करे तो फेक। अच्छा खासा नॉलेज आप लोगों के पास में होगा, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, पूरा चैनल का डिटेल मिल जाता है, तो वहाँ से जाके सर्च करो कि कब क्या हुआ था। खैर वही है, समुंदर की मछलियों को रिप्लाई नहीं देना है। मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे कुछ आए थे, ये सब करवाए जा रहे हैं ये भी पता है, क्योंकि हर बंदा हर इंसान से नहीं जलता है। और सामने वाले ने इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं किया। खैर उन बातों को रखूंगा, अभी नहीं रखूंगा, रुक जाओ, अभी जवाब ही नहीं दे रहा मैं। काउंटर आएगा जब ना, देख लेना, बहुत जल्द आएगा। जैसे लास्ट टाइम हमारी कन्वर्सेशन हुई थी और चीज़ों को रखा, मैंने नहीं करवाया, मेरा फ़ोन चेक कर लो। चोर एक बार अगर चोरी करता है तो क्या दोबारा नहीं करता? पुलिस एक बार चोर को पकड़ती है, उसके बाद जब भी कोई चोरी होती है तो उसी चोर को फिर से पकड़ती है, कहती है भाई तूने ही किया होगा, समझ रहे हो? तो जो हरकत एक बार नीच हरकत कर सकता है वो बार बार कर सकता है। आप अपनी नीच हरकत ऐसे ही बराबर रखो, करते रहो, तरक्की देगा भगवान आपको, आशा करता हूँ, दुआ करूँगा मैं, और आपकी हर एक बात का जवाब भी दूंगा। बाकी अपनी ऑडियंस से बोलना है कि चैनल ये वाला जिस पे ये वीडियो आ रहा है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो, और जैसे प्यार पहले दे रहे थे वैसे अभी भी देना। जो भी चीज़ें मैंने रखी हैं भरोसा रखो, अमित मिश्रा हर एक चीज़ को प्रूव करेगा कुछ ही समय में, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, कुछ ही समय में हर एक चीज़ हम प्रूव करेंगे विद प्रूफ। आपको ऐसे हमारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है? बहुत हैं यार, जब समय ऐसा आता है तो पता चलता है एक्चुअल में कि दिल से सपोर्ट कौन कर रहा था और दिमाग से सपोर्ट कौन कर रहा था, ये भी समय आने के बाद ही पता चलता है। खैर कोई नहीं, अमित मिश्रा हारने वालों में से नहीं है, ये एक मिसाल मिसाल रहेगी, जब सच सामने आएगा ना तब आप समझोगे। बहुत सारे ऐसे केस रहे हैं, अभी उन केस को अगर सामने ला के हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम ये चीज़ प्रूव कर देंगे तो आपको समझ में भी आएगा। बस इस वीडियो में इतना ही बोलना है, चैनल कभी भी जा सकता है। खैर आपको अपडेट तो हम देते ही रहेंगे जैसा भी होगा, तब तक आप लोग जितना भी हो सके ना इस चैनल पे आ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। बैक टू, जैसे ही सब कुछ सही होगा फिर से आपको हमारा जो काम था, जो हम काम कंटेंट वाला काम कर रहे थे जिससे आप हमें जानते हैं, फिर से वही शुरू होगा, फिर वही हम करेंगे। अभी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखे हैं, शायद कहते हैं ना मर्द कभी रोता नहीं है, तो मैं उसमें उनमें से ही एक हूँ। छोटी छोटी बातों, कितना भी बड़ा मैटर क्यों हो जाए, हमें रोता हुआ जल्दी नहीं देख पाओगे। आगे मैं ना इस बात को और इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, जल्दी जैसा भी अपडेट होगा आपको बराबर अपडेट मिलती रहेगी हर एक चीज़ की। और ये मत समझना कि अभी अमित शांत है तो जवाब नहीं आएगा, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा, ये अमित मिश्रा के स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आपको हमारे इंस्टाग्राम पे भी मिलता रहेगा सारी अपडेट, और यूट्यूब पे भी मिलते रहेंगे। तो ध्यान रखना और प्यार देना, अभी आपके प्यार की ज़रूरत है। बाकी जो निगेटिव हेट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, यार नहीं फ़र्क पड़ता हमें, बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने एक तरफा चीज़ों को देखा है, एक तरफा सुना है, बस आपने जज कर लिया उस हिसाब से। जब सच सामने आएगा तो आप समझोगे भी, आप पे भरोसा है, हमें खुद पे भी भरोसा है, बाकी हमें भगवान पे भरोसा है, चला वही रहा है दुनिया, ठीक है ना? आप भी ना बोले, हम तो बोलते ही नहीं है। चलो इस वीडियो को यहीं के करते हैं एंड।